हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं हैप्पी होम्स इंडिया। आज हम गौर एबना सिटी को रिव्यू करने वाले हैं। ये गौर एबना सिटी का पहला गेट है। ये गेट नंबर एक है, जिसे हम यमुना द्वार और वीआईपी गेट कहते हैं। अब हम चलते हैं गौर एबना सिटी के अंदर। सामने आप जो लैंड देख रहे हैं, ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो कि गौर यहाँ पे 100 गज से स्टार्ट कर रहा है प्लॉट। इसके बाद ये इनके रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, गौर लेक शोर बिलाज के नाम से। ये पोजीशन इसमें हो गया है। इसका पोजीशन स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद ये लेक का एरिया है, जो कि करीब 9 एकड़ के आसपास की ये लेक आती है। जहाँ पे किड्स जोन वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। सामने ये जो बिला देख रहे हैं, वो वीआईपी बिला है। यहाँ से करीब 250 गज से बिला स्टार्ट होते हैं। इनकी जो कॉस्ट करीब 80 से 1 लाख स्क्वायर गज के आसपास की आती है। इसे हम सेकेंड पार्क व्यू के नाम से जानते हैं। ये सारे बिला लेक फेसिंग आते हैं। पैतालीस मीटर वाइड रोड है। ये सारा सेकेंड पार्क व्यू ही है। इसके बाद ये प्लॉट्स एंड बिला का सेगमेंट एक और आ जाता है, जिसे लेक व्यू प्लॉट्स बोलते हैं, या लेक व्यू बिला बोल सकते हैं जिसे हम। इसका पोजीशन भी बिल्डर करीब 1 साल में देना स्टार्ट कर रहा है। इंटर रोड एंड सीवर का काम चल रहा है। यहाँ से कृष्णा बिलाज स्टार्ट हो जाते हैं। ये कृष्णा बिलाज है। बढ़िया। ये गौर का रनवे हब है। ये आपके स्टूडियो अपार्टमेंट और नीचे शॉप्स का पूरा कमर्शियल सेगमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट है सारे, जिसमें 450 और 525 स्क्वायर फीट की साइज आ जाते हैं। अगर रिटेल शॉप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करीब 250 से स्क्वायर फीट से शॉप स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम रेट की बात करें, तो करीब आप 15,000 से लेके 22,000 तक का रेट आता है। इसकी कनेक्टिविटी आप इंटरनल रोड से भी दी हुई है, और आपकी बाहर वाले रोड से भी दी हुई है। इसके अलावा ये जीवाईसी गैलेरिया है, जो कि आपका सेकेंड फ्लोर तक दिया हुआ है, जो यहाँ पे अभी रनिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स भी आ गई हैं। तो ये यहाँ का अभी तक इकलौता कॉमर्शियल है, जो यहाँ पे चल रहा है। ये सारे
प्लॉट्स एंड विला का एरिया है। इसके साथ ये पार्क दिया हुआ है जो करीब 1.5 एकड़ के आसपास का आता है। सेकंड गेट आता है। अब हम चल रहे हैं गेट नंबर 2 पे। ये सामने जो खाली लैंड देख रहे हैं, यहाँ पे 3 नर्सिंग होम्स के प्लॉट हैं जो आने वाले टाइम में आएंगे। इसके अलावा ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये लॉर्ड कृष्णा मेडले है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। 15 से 20 दिन पहले ही इसका रेरा आया हुआ है। ये जो सामने प्लॉट आप देख रहे हैं वो लॉर्ड कृष्णा मेडले के नाम से एक हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल है, इसे एज ए सोसाइटी कॉमर्शियल भी बोल सकते हैं। ICICI बैंक से यहाँ पे लोन अप्रूव्ड है। ये प्रोजेक्ट का दूसरा गेट आता है। ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। ये स्टूडियो अपार्टमेंट है जो रनवे हब के नाम से है। ये GYC गैलेरिया है जो आपके अभी तक का इकलौता कमर्शियल है जो रेडी टू मूव इन है। ये प्लॉट आते हैं जो कि नर्सिंग होम्स टू अलॉटेड है। यहाँ पे 3 प्लॉट है, NS 2, 3 and 4 जो कि नर्सिंग होम को अलॉटेड है। इसके साथ ही एक ये प्लॉट आता है जो ग्रुप हाउसिंग को अलॉट किया हुआ है, जिसमें गौर अपने ग्रुप हाई राइज लेके आएगा। सामने आप जो हाई राइज देख रहे हैं वो 16 पार्क भी आता है। यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट दिए हुए हैं। इसके अलावा इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे गौर इंटरनेशनल स्कूल आता है जो कि यहाँ से 2 साल से रनिंग है। यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई चल रही है अभी। सामने आप जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो लॉर्ड कृष्णा मार्ट 1 है। इसके अलावा ये खाली प्लॉट है जो कि डिस्पेंसरी को अलॉट किया हुआ है। सामने आप जो खाली लैंड देख रहे हैं वो 7th पार्क व्यू, यहाँ पे प्लॉट 7th पार्क व्यू के नाम से प्लॉट आने वाले हैं जो करीब 1000 प्लॉट के आसपास आते हैं। यहाँ पे इनका पोजीशन आपको 6 से 6 महीने से लेके 1 साल में मिल जाएगा। ये अपार्टमेंट्स आते हैं आपके जो कि रिव्यू टू हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 500 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। 2, 3 and 4 BHK के कॉन्सेप्ट आते हैं। गौर यमुना सिटी में इकलौता हाई राइज है। बाकी सारे यहाँ पे प्लॉट्स एंड लो राइज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सामने आप जो खाली लैंड देख रहे हैं वो आपका स्टेडियम आता है, मल्टीपर्पज स्टेडियम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे डे नाइट मैच होते रहते हैं। इसके साथ ही ये गौर की बुकटूडिन ब्लाउज एंड प्लॉट आ जाते हैं। सारे ये रेडी टू मूव इन है, फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं अभी। ये सेमी लग्जरी ब्लाउज आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे प्लॉट्स एंड बिला का और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो कि 32nd पार्क व्यू के नाम से दिया हुआ है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका 80% लो राइज का कॉन्सेप्ट है और 20% में हाई राइज का कॉन्सेप्ट आता है। ये स्टेडियम है जो कि मल्टीपर्पज स्टेडियम आता है।
ये आपके सेवेंथ पार्क व्यू के बिला हैं, जो कि करीब 1000 बिला के आसपास आते हैं, 1000 प्लॉट्स के आसपास आते हैं। सेवेंथ पार्क व्यू प्लॉट्स की इंटरलूड सारी बन चुकी हैं, सीवर का काम यहाँ पे चल रहा है अभी। सामने आप जो देख रहे हैं वो गौर के लो राइज अपार्टमेंट आते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है। अब हम चल रहे हैं गौर की टाउनशिप के तीसरे गेट की तरफ, संगम द्वार, जिसे हम संगम द्वार बोलते हैं। यहाँ पर ही कृष्ण जी की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो गौर इसे बना रहा है। सामने आप जो देख पा रहे हो 108 फीट, इसकी जो हाइट आती है वो 108 फीट के आसपास की आती है। नीचे इनका जो बेस दिया है वो 20 फीट के आसपास का बेस दिया हुआ है। सामने गौर का तीसरा गेट है ये, जिसे संगम द्वार बोलते हैं। सामने आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये यहाँ का कॉमर्शियल है, जिसे लॉर्ड कृष्णा मार्ट बोलते हैं हम इसे, जो कि बिल्कुल कृष्ण जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने आता है।